सम्मानीय लोक विख्यात विश्व विख्यात हम सब के प्रिय आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर कुमार विश्वास जी, माननीय जो हमारे और विशेष अतिथि हैं डॉक्टर ए के निगम साहब, श्री रामनवल सिंह जी, श्री रामाश्रय सिंह जी, हमारे प्रेरणा स्रोत जो हमारी ताकत है श्री रामदयाल सिंह जी, श्री डीके सिंह जी, विशिष्ट अतिथि विशिष्ट राज स्मृति जी, प्रिंसिपल एआर जयपुरिया पूनम कोचेटी जी, डॉक्टर अर्चना मिश्रा जी, प्रिंसिपल मिलेनियम स्कूल। एक स्कूल का प्रिंसिपल जो जर्मनी से नासी कैंप से किसी तरह बच के निकल गया, उसने लिखा है, मैं हिटलर के मृत्युदंड वाले कैंप से बच निकला था, मेरी आंखों ने वहां जो देखा मैं चाहता हूं इस दुनिया में कोई और न देखे। उस कैंप में मौत वाले गैस चैंबरों को काबिल इंजीनियरों ने बनाया था, काबिल कुशल डॉक्टर बच्चों को जहर देते थे, प्रशिक्षित नर्सें बच्चों को जान से मारती थी, औरतों और बच्चों को कॉलेज के पढ़े हुए लड़के गोली मारते थे। इसलिए ये सब देखने के बाद मैं शिक्षा को लेकर बहुत दुविधा में हूं। मैं सबसे विनती करता हूं अपने बच्चों की मदद करिए इंसान बनने में, और ध्यान दीजिए कि ये आपकी शिक्षा कहीं उन्हें प्रबुद्ध राक्षस, कुशल मनोरोगी और काबिल पागल तो नहीं बना रही। ये जो मैंने सुनाया ये कहानी थी, पर अब मैं जो बता रहा हूं वो सत्य है। कहीं हम भी अपने बच्चों को मोबाइल और टीवी का मनोरोगी तो नहीं बना रहे, ओवर केयरिंग से उनका ऐसा पौधा तो नहीं बना दे रहे हैं जो भविष्य में पेड़ बनने के काबिल ही ना हो, जो जरा सी हवा धूप पानी को झेल ना पाए। हम अपने बच्चों को शुद्ध भोजन दूध उपलब्ध करा पा रहे हैं कि नहीं, ये चिंता एक पेरेंट्स होकर हम लोग करते हैं। अगर नहीं करते तो हमारे बच्चे इंजीनियर डॉक्टर तो बन जाएंगे, लेकिन 30 वर्षों में ही आपको पता चलेगा कि वो तमाम रोगों से परेशान हैं या डिप्रेशन के शिकार हैं। क्या आप ऐसा बच्चा ऐसा समाज चाहते हैं? अगर नहीं चाहते तो हम सबको एक बात समझना होगा, पढ़ना लिखना भाषा इतिहास गणित तभी तक जरूरी है जब तक हमारे बच्चों में मानव मूल्य, इंसानियत और स्वास्थ्य का विकास हो, और अगर ये नहीं होता तो सारी पढ़ाई बेकार। आनंद स्वयं में खोजना होगा, अगर हम उस आनंद को ढूंढने के लिए बाजार में भटकेंगे तो हम एक प्रोडक्ट बन जाएंगे, एक फैक्ट्री बन जाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारा स्कूल इस फैक्ट्री रूप में विकसित ना हो, और सब लोग मिलकर के इस प्रयास को, हमारी पूरी टीम मिलकर के इस प्रयास को पूरा करने में हमारी मदद कर रही है। आज के इस फोर्थ एनुअल डे पर सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं कि आज से 4 साल पहले मैंने एक सपना देखा, उस सपने को पूरा करने के लिए कल से देख रहा हूं, लगातार 15 दिनों से देख रहा हूं कितने हमारे प्रिंसिपल अनुपमा कस्तूर जी कितना मेहनत कर रही है। मतलब बच्चे टीचर, एक एक टीचर जिस तरह से स्कूल को सजा रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे ये सब ईश्वर के हाथ। एक आदमी ने अपनी लड़ाई शुरू की और वो लड़ाई कैसे लोगों में बदल जाती है। मैं थैंक्स कहना चाहता हूं अपने बच्चों का जिन्होंने रात दिन मेहनत कर ये इस प्रोग्राम को सफल बनाया है। सभी पेरेंट्स जो दूर दूर से आए उनसे हाथ जोड़ करके विनती है कि हम अपने प्रयास पूरी तौर पर कर रहे हैं, आपका भी सपोर्ट चाहिए। स्कूल के नियम को, स्कूल की जो वैल्यूज है उसको पूरा करने के लिए आप भी सपोर्ट करिए। कई बार देखते हैं कि पेरेंट्स जो है बच्चों को बिना छुट्टी के लेके जाते हैं, कौन ऐसा होगा जो स्कूल रोकना चाहता है कि बच्चों को नहीं रुको, आप नहीं ले जाओ बच्चों को, पढ़ने दो यहां पर। तो पेरेंट्स का भी सपोर्ट चाहिए हमें। अंत में जो छोटा पटाखा और बड़ा बम था हमारा गौरांशी और दूसरे क्या नाम था तेजस्वी को फिर से बहुत बधाई देना चाहते हैं जिसने इतनी जबरदस्त एंकरिंग की क्लास 3rd में होकर के। थैंक्स।